my all dear friends, I am Professor Neeta Gaikwad, welcome in our free education channel English Master. My all dear friends, आज का जो हमारा lesson है वो बहुत ही interesting होने वाला है क्योंकि हमारा family और family का जो पूरा introduction है वो आज हम आज के lecture में पढ़ने जा रहे हैं. हिंदी में तो हमें पता है कि mother, father, sister, brother को क्या कहते हैं, लेकिन उनके अलावा जो हमारे आंटी हैं, अंकल हैं, हमारे कजिन सिस्टर ब्रदर हैं, या फिर इन-लॉज है, सास ससुर हो गए, देवर होगा, भाभी होगी, उनको इंग्लिश में क्या वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. सो फ्रेंड्स देखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है. इसका जो आगे हम जो वर्ड्स पढ़ने वाले उसमें आपको पता चलेगा. ये लेक्चर एंड तक देखिएगा, एंड तक देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि हर एक जो रिलेटिव है हमारा उनके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड हम यूज करते हैं. सो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमने 2000 प्लस वोकैबुलरी के लेक्चर्स जो हैं वो डिक्शनरी के लेक्चर में हमने कवर अप किए हैं. डिक्शनरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड अभी शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली. फैमिली इंट्रोडक्शन यानी हमारे परिवार का हमें परिचय देना है. तो इसमें सबसे पहले तो खुद यानी कि आप जो खुद होते हो, तो आई मी और माई सेल्फ, ये तीनों में से कोई भी एक प्रोनाउन आप अपने खुद के लिए यूज कर सकते हो. या जैसे कि हेलो आई एम नीता, और else आप बोल सकते हैं हेलो माई सेल्फ नीता. इस तरह से आप अपना खुद का परिचय दे सकते हो. उसके बाद हेलो आई एम नीता, मीट माई फैमिली, वी आर फाइव मेंबर्स इन माई फैमिली. इस तरह से आप बोल सकते हो कि हमारे फैमिली में कितने मेंबर्स है, उसके लिए एक सेंटेंस है वी आर, जो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स है वो डाल के आप बोल सकते हो वी आर फाइव मेंबर्स इन माई फैमिली और वी आर टेन मेंबर्स इन माई फैमिली. यस, अभी इंट्रोडक्शन कैसे दे, जैसे कि आपके माता पिता हैं तो उनके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है मीट माय पेरेंट्स. पेरेंट्स यानी कि यह मेरे माता पिता हैं. ही इज माय फादर, यह मेरे पिताजी हैं. शी इज माय मदर, वह मेरी माताजी हैं. ओके, सो सबसे पहले हम जो इंट्रोडक्शन देते हैं वो है हमारे पेरेंट्स का. मीट माय पेरेंट्स, यह मेरे माता पिता हैं. ही इज माय फादर एंड शी इज माय मदर. ओके, अभी उसके बाद आपके आ गए भाई बहन. भाई बहन के लिए कौन सा वर्ड है इंग्लिश में, सिबलिंग्स. मीट दीज आर माय सिबलिंग्स, यह मेरे भाई बहन है. सिबलिंग एस आई बी एल आई एन जी, इसका मतलब है भाई बहन. तो अभी देखिए सिबलिंग्स में ही इज माय ब्रदर, यह मेरे भाई है. शी इज माय सिस्टर, वह मेरी बहन है. ओके, सो ही इज माय एल्डर ब्रदर, यह मेरे बड़े भाई है. शी इज माय एल्डर सिस्टर, वह मेरी बड़ी बहन है. ही इज माई यंगर ब्रदर, यह मेरे छोटे भाई है. शी इज माई यंगर सिस्टर, वह मेरी छोटी बहन है. बड़ों के लिए एल्डर एंड छोटों के लिए यंगर, यह वर्ड हम यूज करते हैं. अभी देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखेंगे सिबलिंग्स के बाद अगर आप अपने फैमिली में वाइफ एंड हस्बैंड का इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं वाइफ एंड हस्बैंड के लिए एक वर्ड है स्पाउस, एस पी ओ यू एस ई. स्पाउस यानी कि उसमें वाइफ एंड हस्बैंड दोनों भी आ जाते हैं. तो अगर आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे तो उसमें होता है नेम ऑफ योर स्पाउस, यानी कि वहां पे आपको पता होना चाहिए वो वर्ड का मीनिंग है आपके पति या फिर आपकी पत्नी. तो स्पाउस में आएगा मीट शी इज माय वाइफ, यह मेरी पत्नी है. मीट ही इज माय हस्बैंड, यह मेरे पति है. सो वाइफ के लिए हम बोलेंगे यह मेरी पत्नी है. एंड अगर आपके पति है तो आप बोलेंगे ही इज माय हस्बैंड. उसके बाद चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस यानी कि आपके जो बच्चे हैं. यस दीज आर माई चिल्ड्रंस, यह मेरे बच्चे हैं. ही इज माई सन, यह मेरा लड़का है. शी इज माई डॉटर, वह मेरी लड़की है. लड़का के लिए हम बोलेंगे सन एंड लड़की के लिए डॉटर. ही इज माई सन, शी इज माई डॉटर. उसके बाद फ्रेंड्स देखिए रिलेटिव्स, रिलेटिव्स यानी कि आपके रिश्तेदार. मीट माई रिलेटिव्स, ये मेरे रिश्तेदारों से मिली है. यस दीज आर माई कजिन्स, कजिन्स यानी क्या, कि आपको ये जो वर्ड है कजिन्स यानी कि इसमें आपके चचेरे भाई हो, चचेरे बहनी हो, मौसेरे भाई बहन हो, फूफा के भाई फूफा के लड़का लड़की हो, या फिर मामा जी के लड़का लड़की हो, सभी के लिए सिर्फ एक ही वर्ड इंग्लिश में आता है वो है कजिन्स. ओके, अभी कजिन्स में आएगा कि आंट, मीट माय आंट और मीट माय आंटी. शी इज माय आंटी, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम हिंदी में मौसी हो, चाची हो, मामी हो, उनको मौसी, चाची, मामी, इस तरह से अलग अलग वर्ड्स है. लेकिन इंग्लिश में जब हम हमारे मामी हो, मौसी हो, चाची हो, फूफी हो, उनका जब इंट्रोडक्शन करवाते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही वर्ड है. हाँ, शी इज माई आंटी. ओके, एक ही सेंटेंस है. यस शी इज माई आंटी.
ओके, आपको वहां पे कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं करना है। उसी तरह से आपके मौसा जी हो, चाचा जी हो, फूफा जी हो, मामा जी हो, उनके लिए एक ही वर्ड आता है अंकल। इंग्लिश यही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इंग्लिश में किसी के लिए भी, जितने भी हमारे रिलेटिव्स है, अगर कोई भी आपकी रिलेटिव्स उनके लिए आंटी आप बोलेंगे, एंड अगर आपके कोई भी रिलेटिव उनके अंकल आप बोलेंगे, यस ही इज माय अंकल, यह मेरे अंकल हैं, ओके। उसके बाद देखिए हम देखेंगे कि अभी हाँ, मेरे भाई की जो वाइफ है उनको आप क्या बोलोगे, भाई की वाइफ को आप बोलोगे सिस्टर इन लॉ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, भाई की वाइफ को आप बोलोगे सिस्टर इन लॉ। वैसे ही अगर आपके पति की बहन है तो उनके लिए भी यही वर्ड आता है क्या, सिस्टर इन लॉ। ननंद के ननंद एंड आपकी जो भाभी है उनको अब एक ही वर्ड इंग्लिश में आता है, वो है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी एंड ननंद, ओके। उसी तरह से ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ किसे यूज कर सकते हैं, आपके जो देवर जी है उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए आप बोल सकते हैं ही इज माय ब्रदर इन लॉ, यह मेरे देवर है। या फिर आपकी जो सिस्टर है उनके अगर पति है तो उनको आप बोल सकते हैं यस ही इज माय ब्रदर इन लॉ, यह मेरे बहन के पति है, ओके। इस तरह से देखिए मैंने दो वर्ड्स बताए, एक तो सिस्टर इन लॉ, भाभी एंड ननंद दोनों के लिए सिस्टर इन लॉ, देवर एंड बहन का पति, इन दोनों के लिए एक वर्ड आएगा ब्रदर इन लॉ, ओके। आदि हमारे जो भाई बहन है उनके जो लड़के होते हैं, सॉरी उनके जो चिल्ड्रंस है उनके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, NEPHEW, नेपियो यानी के भाई का लड़का या फिर बहन का लड़का, सन ऑफ सिस्टर और सन ऑफ ब्रदर, उनके लिए एक ही वर्ड आएगा नेपियो, ही इज माई नेपियो, ओके। उसके बाद नीस, NIECE, नीस यानी के मेरी बहन की लड़की या फिर मेरे भाई की लड़की, उनके लिए एक ही वर्ड आएगा शी इज माई नीस, यानी के भतीजी हो या फिर भाई की लड़की हो या फिर बहन की लड़की हो, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो फैमिली का रहता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि हमारे दादी हो, दादाजी हो, नानी हो, नाना जी हो, उनके लिए एक ही वर्ड आता है यस दीज आर माई ग्रैंड पेरेंट्स। उसमें ग्रैंडफादर यानी कि आपके दादाजी हो या फिर नाना जी हो, उनके लिए एक ही वर्ड आएगा ही इज माई ग्रैंडफादर। अगर आपकी नानी जी हो या फिर आपकी दादी जी हो, उनके लिए भी एक ही वर्ड आएगा, वो है ग्रैंड मदर। ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि पापा की मम्मी हो या फिर मम्मी की मम्मी हो, या फिर मम्मी के पापा हो या फिर पापा की मम्मी हो, ओके। सो उनके जो पेरेंट्स रहते हैं, मदर एंड फादर के जो पेरेंट्स रहते हैं, उनको आप बोलेंगे ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड फादर में मदर आपके जो पापा होते हैं उनके पापा रहेंगे, या फिर आपकी जो मदर रहती है उनके पापा होंगे, यानी कि हो गए आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। मम्मी और पापा की जो मम्मीज रहती है उनको हम कहेंगे ग्रैंड मदर, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रंस यानी के आपके जो, हाँ सपोज आपके ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर के आप क्या हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रंस यानी के आप उनके डॉटर ऑफ डॉटर हो सकते हो, सन ऑफ सन हो सकते हो, राइट। ग्रैंड सन यानी के सन ऑफ सन, आपके लड़के का लड़का आपका क्या हो गया, यस ही इज माई ग्रैंड सन। आपके ग्रैंड फादर उनका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं ही इज माई ग्रैंड सन, एंड अगर आप उनकी नाती हो तो आप वो बोल सकते हैं यस शी इज माई ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड सन यानी के लड़के का लड़का या फिर लड़की की लड़की, एंड ग्रैंड डॉटर यानी लड़की लड़की की लड़की या फिर लड़के का लड़का, ओके फ्रेंड्स। अभी देखिए उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है इन लॉज, यानी के सासू माँ एंड ससुर जी, उनको हम बोल सकते हैं इन लॉज। अभी देखिए फादर इन लॉ यानी के ससुर जी, मदर इन लॉ यानी के सासू माँ, उनके लिए एक ही वर्ड है फादर इन लॉ ससुर जी, मदर इन लॉ सासू माँ। उसके बाद सिस्टर इन लॉ यानी कि आपकी ननद हो सकती है या फिर आपकी भाभी हो सकती है, ब्रदर इन लॉ आपके देवर हो सकते हैं या फिर आपके सिस्टर के पति हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तक के जितने भी रिलेटिव्स हैं, अभी लास्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर आपके सौतेले माता पिता हो गए तो उनके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है स्टेप फादर यानी कि सौतेले पिताजी, स्टेप मदर यानी कि सौतेली माता जी, एंड अगर आपके सौतेले भाई बहन है तो उनके लिए आप बोल सकते हो स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन। अभी देखिए फ्रेंड्स हम रिविजन कर लेते हैं पूरी जितने भी रिलेटिव का चार्ट अभी हमने पढ़ा है। सबसे पहले आएंगे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स यानी उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स में है ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, उसके बाद आएंगे आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स में फादर मदर, उसके बाद पेरेंट्स के जो होते हैं वो है चिल्ड्रंस, उसमें है सन डॉटर, उसके बाद सन ऑफ सन इज ग्रैंड सन, सन ऑफ डॉटर इज ग्रैंड सन,
और डॉटर ऑफ डॉटर इज ग्रैंड डॉटर, डॉटर ऑफ सन इज ग्रैंड डॉटर. ओके, उसके बाद चिल्ड्रन यानी के बच्चे. आपके भाई की अगर लड़की हो तो उसको आप बोल सकते हो भाई और बहन की लड़की नीस. एंड अगर आपके भाई का लड़का या फिर बहन की लड़का बहन का लड़का हो तो उसको आप बोल सकते हैं नेप्यू. आपकी चाची मामी कोई भी हो उनको आप एक ही वर्ड बोलोगे आंटी. एंड आपके चाचा मामा कोई भी हो फूफा जी उनके लिए एक ही वर्ड आएगा अंकल. सास ससुर के लिए है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ. ननंद और भाभी के लिए है सिस्टर इन लॉ. देवर जी एंड भाई बहन के पति के लिए है ब्रदर इन लॉ. तो ये पूरा हमारा हो गया फैमिली का इंट्रोडक्शन. तो इस तरह से हर एक वर्ड का मीनिंग ध्यान में रखिए किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं. लेक्चर अगर पूरा सुना है तो नोट डाउन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए बोलने के लिए. अगर और कोई आपको रिलेटिव्स में जानना है कि इनको क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा. हम आपको जरूर बताएंगे कि अगर आपको समझ में आने के लिए दिक्कत हो रही है तो वैसे भी बताइएगा. हम और अच्छी तरह से आपके लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करेंगे. आई होप ये लेक्चर आपके लिए वर्क करेगा 101%. इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा. जल्दी मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में. तब तक के लिए धन्यवाद.